वेलकम टू सुपर बायलोजी माई सेल्फ रोहित कल्होत्रा पी एच डी नेट इन लाइफ साइंसेज टूडे वी विल स्टडी अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स फाइलोजेनी जो है वो क्या है एवोल्यूशनरी uh, हिस्ट्री है यानी कि ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ कौन कौन सी स्टेजिस से वो गुजरा तो उसी को हम क्या कहते हैं फाइलोजेनी बट इट इज़ नॉट क्लियर इन ऑल द केसेज लेकिन फाइलोजनी हमें सबके बारे में नहीं पता है कि फाइलोजनी जो है वो हर एक ऑर्गेनिज़म की क्या है कौन कौन से ऑर्गेनिज़म थे आ, उनके बीच में प्रीवियस में यानी कि हिस्ट्री में नहीं जो थे ऑर्गेनिज़म उनका हमें नहीं पता है ओनली फॉसिल रिकॉर्ड कैन प्रोवाइड सच रिलेशनशिप्स यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड जो फॉसिल मतलब जो पुराने जो आ, ऐसे जीव जंतु हैं जो अब प्रेजेंट नहीं हैं जो फॉसिल के रूप में प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल आर्क्योपटेरिक्स है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि हमें कनेक्टिंग लिंक बताता है बर्ड्स और आ, हमें रेप्टाइल्स के बारे में तो ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड अगर होंगे तो वो उससे हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म तो जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर एसर्टेड फ्रॉम मोफोलॉजी साइटोलॉजी जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स में कैसे पता लगता है उनके मॉरफोलॉजी में मतलब दिखने में कैसे हैं सेल कैसे साइटोलॉजी है उसके सेल्स कैसे दिखते हैं मीन्स साइटोलॉजी मीन्स उसकी सेल की स्टडी सेल कैसे दिखते हैं जेनेटिक्स मतलब कि उसके क्रोमोजोम्स कैसे दिखते हैं या डी एन ए कैसा है बायोकेमिस्ट्री मीन्स उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं फिजियोलॉजी यानी कि उनकी ऑर्गन जो हैं बॉडी ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं कैसे फंक्शन कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर क्या है फंक्शन क्या है तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं यानी कि मोफोलॉजी साइटोलॉजी जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ये जो हैं रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए या रिलेशनशिप को निकालने के लिए यूज़ होते हैं तो जैसे कि ये डायग्राम में है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं जैसे वर्टिब्रेट सबसे नीचे अगर देखें आप लिखा हुआ है वर्टिब्रे तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स ऊपर दिख रहे हैं शार्क्स रेफ इंड फिश एम्फीबियंस प्राइमेट रोडेंट्स एंड रेबिट्स क्रोकोटाइल्स बर्ड तो इन सब में क्या है वर्टिब्रे हैं वर्टिब्रे मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है बैकबोन है वो इन सब में है वैसे ही वर्टिब्रे के ऊपर है बोनी बोनीस्कैल्टन मीन्स जिन जिन में बोन्स हैं तो बोन्स किन किन में है रेफ इंड फिश में एम्फीबियन में प्राइवेट है प् रोडेंट्स रेबिड्स में है क्रोकोडाइल में है बर्ड में है इनमें क्या है बोनी स्केल्टन है लेकिन शार्क्स में ऐसा नहीं है बोनी स्केल्टन फिर फोर लिम्स किन किन में है एम्फीबियंस में है प्राइबेंट्स में है रोडेंट्स एंड रेबिड्स में है क्रोकोडाइल्स है बर्ड्स है तो ऐसे ही जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिर एमनिओटिक एग egg है एग्स विद शेल्स है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स जो हैं हम देखते हैं और उससे स्टडी करते हैं कि, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटी है कि नहीं या फिर कोई रिलेशनशिप है या नहीं तो ये सब आता है फॉलेजेनेटिक रिलेशनशिप में नो नॉमन क्लेचर मीन्स नॉमन क्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मीन्स नॉमन क्लेचर क्या है कि हम प्लांट्स को एनिमल्स को और और किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको हम नेम कैसे करते हैं उसको ही हम नॉमन कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमन कॉमन साइंटिफिक दो दो टाइप के नामिन क्लेचर हैं नामकरण जिससे करते हैं कॉमन है, है नॉमिन क्लिचर और दूसरा है साइंटिफिक नामिनक्चर फर्स्ट इज द कॉमन नेम्स ऑफ द और द वर्नेकुलर नेम्स कॉमन या वर्नेकुलर नेम्स का क्या मतलब है इधर मीन जो जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं या फिर किसी एरिया में यूज़ करते हैं या फिर किसी कंट्री में यूज़ करते हैं स्टेट में यूज़ करते हैं एट्सट्रा दीज आर दोज नेम्स गिवन इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजनस ऑफ द वर्ल्ड मतलब कॉमन जो ये जो नेम्स होते हैं ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं या फिर रीजन्स में वर्ल्ड की वर्ल्ड के रीजन् में यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेम्स लाइक इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल बंगाली एट्सट्रा यहाँ पे डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल और बंगाली तो हम एग्जाम्पल लेंगे इधर ओनियन की फॉर एग्ज़ाम्पल ओनियन इन इंग्लिश प्याज इन हिंदी गंडा इन पंजाबी कांधा इन मराठी इरुली इन असामीज़ दीज नेम्स हैव बीन यूज सिंस इन मेमोरियल मीन्स जो ओनियन है जिसको हम इंग्लिश में आ, कहते हैं उसके अलग नेम है, अलग नेम हैं अलग अलग रीजन्स में जैसे प्याज हिंदी में कहते हैं गंडा पंजाबी में कहते हैं कांधा मराठी में कहते हैं इरुली कहते हैं असामीज़ में तो ये हम पुराने टाइम से जो है इनको हम नामों को लेते आ रहे हैं जब हम छोटे थे अलग अलग रीजन में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो इनका नाम लेते हैं तो ये ये सारे क्या हैं वनैकुलर नेम्स हैं एडवान्टेज़ ऑफ कॉमन नेम्स अब ये कॉमन नेम्स जो हम आम तौर पर किन्नी भी ऑब्जेक्ट का चीज़ों का ऑर्गेनिज्म का जो डालते हैं तो उनका क्या क्या, -क्या फ़ायदे हैं फर्स्ट दीज नेम्स आर ब्रीफ मीन्स ये नाम जो है वो छोटे हैं सेकेंड दे आर बेस्ड ऑन सम करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज़म ये नाम कैसे हम डालते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम का उसकी विशेषता को देखते हुए मतलब वो दिखने में कैसा है तीसरा दे आर नोन टू नेटिव सिंस चाइल्डहुड ये हमें तब से पता है जब से हम छोटे थे दे आर इजी टू प्रोनाउंस बाय नेटिव्स जो नेटिव्स हैं उनके लिए ये ईजी होता है उनको प्रोनाउंस करना उन नेम्स को और उनको बोलना डिसएडवानटेजेज ऑफ कॉमन नेम्स अब कॉमन नेम्स के क्या क्या डिसवान्टजेस हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव नॉट बिन नेम्ड जितने भी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सब के नामकरण नहीं किए गए हैं सेकेंड समटाइम्स वन एनिमल और अ प्लांट इज गिवन डिफरेंट नेम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक एनिमल या प्लांट है कोई भी तो उसके अलग अलग नेम है पूरी दुनिया में थर्ड ए कॉमन नेम इंक्लूड सेवरल ऑर्गेनिज्म कॉमन नेम होगा उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं यानी कि एक नेम जो है हम डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स को भी दे सकते हैं फोर्थ नो साइंटिफिक बेसिस लाइज फॉर सेलेक्टिंग ए कॉमन नेम किसी भी कॉमन नेम के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है साइंटिफिक कोई रूल नहीं है वैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं है फिफ्थ सर्टन कॉमन नेम्स हैव नो सिग्निफिकेंस कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोर ओ क्लॉक प्लांट विडो स्टेयर्स हैन एंड चिकन लव इन ए मिस्ट फॉर गेट मी नॉट एक्ट्रा तो ये डिफरेंट नेम्स uh, हैं uh, जैसे कि प्लांट्स के फोर ओ क्लॉक प्लांट है विडो टेयर हैन है चिकन लव इन ए मिस्ट है फॉर गेट मी नॉट है तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जिनका इन uh, ऑर्गेनिज़म्स का नेम तो पड़ गया ये लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस या मतलब नहीं है कॉमन नेम्स हैव इनकोरेक्ट मीनिंग कई कॉमन नेम्स का इनकोरेक्ट मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फिश जेली फिश कटल फिश स्टार फिश फॉर एग्जाम्पल हम ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ये जैसा इनको नाम दिया गया है वैसा इनमें जो फीचर्स नहीं है फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश सिल्वर फिश क्या है ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे हम किताबें अगर पुरानी बहुत पुरानी किताबें पढ़ी हूँ तो उसको अगर लें तो उसके अंदर एक हमें इंसेक्ट uh, दिखता है जो कि चलता हुआ सिल्वर कलर का होता है तो उसको हम कहते हैं सिल्वर फिश हालांकि वो फिश नहीं है सेवन्थ समटाइम्स सिंगल ऑर्गेनिज़म इज़ नोन बाई सेवरल नेम्स इन सेम लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लिली हैज़ एटी वन डच नेम्स फोटी फ़ोर फ्रेंच नेम्स एटीन इंग्लिश नेम्स कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत सारे नेम्स बहुत सारे आ, उसको नाम दे देते हैं जैसे कि एग्जांपल है वाटर लिली को आ, कि, कितने नाम हैं एटी वन नेम्स हैं उसके डच में फोर्टी फोर फ्रेंच में उसके नेम्स हैं एटीन जो हैं वो इंग्लिश में नेम्स हैं ए रॉन्ग कॉमन नेम कैन नॉट बी इजली करेक्टेड जो गलत आ, अगर नाम किसी भी ऑर्गेनिज़म का पड़ गया तो उस कॉमन नेम को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं दूसरा आ गया बायोनोमिनल नोमिनिचर स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोस लीनियस एस्टाब्लिश्ड बायोनोमिनियल नामिनक्चर दो इट वॉज़ फर्स्टो प्रपोज बाय कैस्पर बोहिन तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट जो थे स्वीडन के रहने वाले कैरोस लीनियस ने बायोनोमियल नामिचर जो है वो दिया हालांकि बायनोमियन नामकिचर जो फर्स्ट प्रपोज किसने किया था कैसपर बोहिन ने इन बायनोमियल नॉमल द फर्स्ट वर्ड इज़ ए जेनरिक नेम एंड सेकेंड वर्ड इज़ ए स्पेसिफिक नेम लाइक मैंगीफरा इंडिका मीन्स बाइनोमियल नॉर्मल क्लचर में है क्या मतलब है बाई बाय का मतलब टू है नॉमियल का मतलब उसका नामकरण करना उसका क्या है बाइनोमियल नॉर्मल क्लचर में क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंगी इंडिका के मैंगो की एग्जाम्पल ली हुई है मैंगी क्या है इधर जीनस है और इंडिका क्या है इधर स्पीशीज़ है यही इधर लिखा गया है कि जेनरिक नेम यानी कि मैगीफेरा और सेकेंड uh, नेम है इंडिका वो क्या है स्पीशीज़ है कैरोलस लीनियस हुज ओरिजिनल नेम वॉज कॉल वैन इज द फादर ऑफ़ टेक्जोनमी फादर ऑफ़ टेक्जोनमी कौन है कैरोलस लीनियस फादर ऑफ़ इंडियन टेक् टेक्जोनमी इज संता पाओ जो है वो इंडियन टेक्जोनमी के uh, फादर हैं टैक्सोनमी का यहाँ मतलब क्या है आपको मैंने पहले बताया है, जैसे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फाइलम जीनस स्पीशीज ये सारे टैक्सोन हैं सिंगुलर को टैक्सोन कहते हैं तो इन्हीं सब की स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनमी साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन बिकॉज लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स एट द टाइम ऑफ लीनियस एंड बींग ए डेड लैंग्वेज नो चेंज इज़ पॉसिबल इन द लैंग्वेज मीन्स साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में हैं वो क्यों हैं क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वो ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने यूज़ की लैटिन लैंग्वेज और आ, वो डेड लैंग्वेज होने के कारण डेड लैंग्वेज मीन्स बहुत कम यूज़ में वो आती थी इसलिए उसमें भी कोई कोई चेंज जो है पॉसिबल नहीं थी इसलिए उन्होंने स्कॉलर्स ने इसको चूज़ किया फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स लीनिस गेव सम प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमिकलेचर इन फिलोसफिका बुटैनिका लीनियस ने आ, कुछ आ, जो प्रिंसिपल्स दिए यानी कि कुछ उसने रूल्स दिए लीनियस ने बायोन नॉमिन कल्चर में अपनी बुक में फ़िलासफिका बोटानिका में बट द नॉमन क्ल्चर वॉज फर्स्ट यूज इन स्पीशीज़ प्लान्टरम वेयर नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वर गिवन एक बुक आ, पब्लिश हुई स्पीशीज़ प्लान्टरम नाम की नाइनटीन सेवेंटी थ्री में यहाँ पे फिफ्टी नाइन हंड्रेड स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की उनको नाम दिया गया उसमें लेटर ही पब्लिश सिस्टम ऑन नेचर इन 1758 फिफ्टी 4326 वेयर फोर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स वर्क डिस्क्राइब्ड उसके बाद कैरोलस लीनियस ने सिस्टम ऑन नेचर बुक निकाली उसमें 4326 जो है स्पीशीज ऑफ एनिमल्स का उधर उसने नाम दिया रूल्स फॉर बायनोमियल नाम क्लेचर अब इनके क्या क्या रूल्स थे बायनोमियल के कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे नेम करना है

डिफरेंट प्लांट्स uh, के लिए एनिमल्स के लिए बैक्टीरिया के लिए वायरस के लिए और कल्टिवेटिड प्लांट्स के लिए जो जो कोड हैं कोड का मतलब क्या है इंटरनेशनल uh, का फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल का क्या मतलब है पूरे विश्व में वैश्विक और कोड का यहाँ क्या मतलब है ऐसे रूल सेट किए गए कि इस रूल के अकॉर्डिंगली जो है किसी भी हम ऑर्गेनिज्म का नेम देते हैं तो बॉटनी के लिए अलग रूल uh, जो नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉर्मल क्लिचर है तो जोलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमन क्लचर है एनिमल्स के लिए यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमन क्लचर बैक्टीरिया के लिए है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमन क्लचर यानी कि ये वायरस की नेमिंग के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन क्ल्चर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हम आ, जिन प्लांट्स को हम बुआई करते हैं खेती करते हैं उन प्लांट्स के लिए ये वाला कोड बना तो सबसे पहले ये लीनियस ने दिया था रूल्स फिर उसको रिवाइज किया गया नाइन्टीन और ट्वेंटियथ सेंचुरी में द इम्पॉर्टेंट रूल्स आर क्या क्या इम्पॉर्टेंट रूल्स थे फर्स्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर गिवन टू नेम्स दैट इज़ जेनरिक नेम एंड ए स्पीशीज़ नेम द जेनरिक नेम शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज़ नेम शुड बिगिन विद ए स्मॉलर लेटर यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके दो नेम्स होंगे यानि कि पहले उनका होगा जेनरिक नेम जैसे मैंगीफ इंडिका की आपको एग्जाम्पल ली तो जेनरिक नेम उसमें क्या है मैंगीफरा है एंड ए स्पीशीज नेम स्पीशीज नेम उसमें क्या है इंडिका जो लास्ट हमने एग्जाम्पल की और जो जेनरिक नेम है फॉर एग्जाम्पल इसी पेज पे हम देखें होमोसेपियंस मैंने हाईलाइट किया हुआ है फोर्थ uh, पॉइंट में होमोसेपियंस तो होमो का एच कैपिटल है तो यही लिखा हुआ है कि द जेनरिक नेम फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है जेनरिक नेम शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर जो जीनस का नेम होगा सबसे पहला लेटर उसका क्या होगा कैपिटल होगा और स्पीशीज नेम जो है बिगिन होगा उसको स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से जैसे कि इधर होमोसेपियंस की किया दी है एग्जाम्पल एच कैपिटल है और जीनस का और स्पीशीज़ का एस स्मॉल है सेकंड साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स जो भी साइंटिफिक नेम होगा फॉर एग्जाम्पल इधर होमोसेपियंस है वो इटैलिक्स में होना चाहिए ये आपको होमोसेपियंस थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ये टेढ़ा ऐसे आ, अपने आप नहीं होगा ये टेढ़ा ही रखा गया है क्योंकि इटैलिक्स में हम ऐसे ही लिखते हैं इटैलिक्स थर्ड साइंटिफिक नेम शुड भी ड्रॉ ऑन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज सिंस इट इज़ ए डेड लैंग्वेज साइंटिफिक नेम जो भी होगा ऑर्गेनिजम का वो लैटिन लैंग्वेज से ही लिया जाएगा क्यों क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है फोर्थ द नेम ऑफ द टेक्जोनमिस्ट शुड भी रिटर्न आफ्टर द साइंटिफिक नेम इन ए रोमन टाइप विद कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी कॉमा इन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस लीनियस इज द कंप्लीट साइंटिफिक नेम फॉर मॉडर्न मैन this shows that linnaeus was the first scientist who named man as homo sapiens jis bhi taxonomist ne us naming ki hogi kisi bhi organism ki to uska naam genus species ke sath us organism ke sath end mein aayega jisko hum roman type mein likhenge जैसे कि इधर example दी गई है Homo sapiens की तो Homo sapiens के साथ Linnaeus लगाया गया यानी कि Homo Homo जो है genus है सेपियंस है जो स्पीशीज़ है लीनियस जो है वो साइंटिस्ट है जिसने जो है ये नाम दिया फिफ्थ साइंटिफिक नेम शुड नॉट कंटेन लेस देन थ्री और मोर देन ट्वेल्व लेटर्स साइंटिफिक नेम्स जो होंगे उसमें तीन से कम या बारह से ज़्यादा तीन से कम या बारह से ज़्यादा लेटर नहीं होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल होमो एच ओ एम ओ होमो इसमें चार लेटर्स हैं और सेपियंस में कितने है? -E हैं एस ए पी आई ई एन एस छः सात लेटर्स हैं यानी कि ये तीन और बारह के बीच में है इसलिए ये दोनों नेम्स जो हैं एक्सेप्टेबल हैं ऐसा ही होना चाहिए सिक्स द जीनस नेम इज़ ए सिंगल वर्ड नॉमिनेटिव सिंगुलर यानी कि जो जीनस नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल होमो है तो उससे जो वो नॉमिनेटिव सिंगुलर होना चाहिए नॉमिनेटिव सिंगुलर का मतलब ऐसा नाउन uh, होना चाहिए जो कि सिंगल uh, हमें सिंगल uh, uh, दर्शाई दे मतलब कि जो सिंगल ही जो है वो होना चाहिए सिंगुलर में प्लूरल में नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे uh, अगर कोई नाम है जैसे एच ओ एम ओ तो होमो से हमें क्या लगता है ये सिंगुलर है अगर इसकी जगह एच ओ एम आई होता तो ये क्या होना था प्लूरल होना था तो ऐसे ही uh, जो सिंगुलर वर्ड होना चाहिए नॉमिनेटिव सिंगुलर सेवन्थ नेम ऑफ द एमिली एनिमल फैमिली इज़ फॉर्म्ड एडिंग आई डी ए टू द स्टेम ऑफ द नेम फॉर एग्जाम्पल कारवाईडी इज़ द फैमिली ऑफ द डियर हैविंग ए जेनरिक नेम सर्वस तो जैसे कि आइडिया जो है जो फैमिली होती है एनिमल की उसमें हम ऐड करते हैं क्या आइडिया जैसे सर्वे uh, डी है जो फैमिली किसकी है डेयर फैमिली है ये हालांकि डेयर को साइंटिफिक नेम क्या है उसका डेयर का सर्वस तो उसमें आईडिया लगा दिया आई डी ए लगा आई डी आई तो उसकी फैमिली क्या होगी सर्वे डी आई एट्थ वेन ए नेम इज़ चेंज ड्यू टू सर्टन रीजन द ओरिजिनल ऑथर्स नेम इज़ गिवन इन परेंथिस पैरेंथिस मीन्स अगर साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाए फिर भी हमें जो है साइ जो जिस साइंटिस्ट ने उसको पहले दिया था उसका नेम हम पैरेंथीसिस में रखते हैं यानी कि साइंटिफिक नेम्स के साथ उसका हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट्स लगाते हैं नाइन्थ द सेम जेनरिक नेम कैन नॉट बी गिवन टवाइस इन द सेम किंगडम यानी कि सेम जेनरिक नेम किसी भी जीनस का सेम नेम जो है हम एक ही किंगडम में बार बार नहीं दे सकते रादर इट्स रेपिटेशन इन द अदर किंगडम्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड अदर किंगडम ने भी उसका नाम हमें नहीं देना है टेंथ वेरी रेयरली द जेनरिक एंड कॉमन नेम्स आर द सेम फॉर एग्जाम्पल गोरीला यूक्टस बहुत ही रेयर है ये चांस कि जेंरर जनरिक और कॉमन नेम जो हैं वो सिमिलर हों सेम हों फॉर एग्जाम्पल गोरीला का है जो है वो साइंटिफिक uh, नेम है गोरीला और यूक्लिप्टस का नाम भी साइंटिफिक क्या है यूक्लिप्टस। 11. द साइंटिफिक नेम रिटेन्स इज ओरिजिनल स्पेलिंग बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच इज़ ए डेड लैंग्वेज मतलब साइंटिफिक नेम जो हैं वो उसके ओरिजिनल स्पेलिंग ही रहेंगे जैसे थे क्यों वैसे रहेंगे क्योंकि हमने उसको लैटिन लैंग्वेज से लिया है और वो डेड लैंग्वेज है ट्वेल्थ साइंटिफिक नेम्स गिवन प्रायर टू 1753 फॉर प्लांट्स एंड 1758 फॉर एनिमल्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जो भी साइंटिफिक नेम्स सतारह सौ तिरुंजा यानी कि 1753 से जो पहले थे प्लांट्स के नेम और 1758 में जो एनिमल्स के नाम थे उससे जो पहले नाम थे वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं उनको मान्यता नहीं है वो नहीं माने जाएंगे उनके नाम थर्टीन वेन एंड ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन गिवन डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स बाई डिफरेंट वर्कर्स द अर्लियर वन इजन बाई गिवन वेलिडिटी नॉट प्रायर टू वन फाइव सेवनटीन फिफ्टी थ्री फॉर प्लांट्स एंड वन एट सेवनटीन फिफ्टी एट फॉर एनिमल्स एंड रिकोगशन दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ़ प्रायोरिटी मीन्स लॉ लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या है जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेम किसी भी ऑर्गेनिज़म का नेम अगर डिफरेंट जो वर्कर्स या साइंटिस्ट दे रहे हैं तो उसी का नेम जो है वैलिड माना जाएगा और उसको ही मान्यता दी जाएगी रिकॉग्निशन दी जाएगी जो कि सबसे पहले नाम देगा लेकिन जो एक पाँच सतारह सौ तिरुंजा यानी कि वन आ, वन मई सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री से जो पहले प्लांट से उनको मान्यता नहीं है और एक अगस्त सतारह सौ अठवंजा यानी कि वन एट सेवनटीन फिफ्टी एट से पहले जो एनिमल्स की नेमिंग दी गई थी उनको मान्यता नहीं है नेक्स्ट आ गए ट्राई नोमिनल नॉमिकेशन ट्राई का मतलब है तीन नाम होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन सम केसेस जेनरिक एंड कॉमन नेम्स और सेम एज यूक्लिप्टस इज यूक्लिप्टस गोरिल्ला इज गोरिल्ला सो समटाइम्स ए नेम कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स विच इंडिकेट जेनरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक कैटेगरीज यानी कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जैसे गोरीला जो है या यूक्लिप्टस जो है उसका सेम नेम है साइंटिफिक भी है और कॉमन uh, नेम भी है गोरीला का भी यही है यूक्लिप्टस का भी यही है लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम तीन तीन नाम जो हैं उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के देते हैं जिसमें जीनस भी दिखता है स्पीशीज़ भी होता है और सब स्पीशीज़ भी होता है दिस इज़ फर्दर फॉलोड बाई ऑथर्स नेम उसके बाद ऑथर का नेम होता है जिसने वो स्पीशीज़ को या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया हुआ था है, नेम किया हुआ था सच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल नोमिट्रेचर उसको हम क्या कहते हैं ट्राइनोमियल नोमिट्रेचर फॉर एग्जाम्पल कोलम्बिया लिविया इंटरमीडिया ऑकलैंड तो ये रॉक पिजन है तो कोलम कोलम्बिया इसका आ गया जीनस लिविया आ गया स्पीशीज़ इंटरमीडिया आ गया सब स्पीशीज़ और ऑकलैंड इसका आ गया ऑथर का नेम तो इतना लंबा नाम है ट्राइनोमियल नोमिक्लेचर में दूसरी एग्जाम्पल है कॉलिफ्लार एंड कैबेज आर कॉल्ड एज ब्रासिका ऑल्ड रेशिया बोटराइटस एंड ब्रासिका और रेशिया कैपिटेटा रिस्पेक्टिवली यानी कि ये जो हैं ट्राइनोमियल नोमिक्लेचर इनको दिया गया है कॉलीफ्ला को जिसको हम ब्रासिका ऑल्ड रेशिया बोटराइटस है ब्रासिका ऑलरेशिया कैपिटेटा जो है वो कैबेज का नाम है तो इनको ट्रायनोमियल नोमिक्लेचर दिया गया है नेक्स्ट आ गया पॉलिनोमियल नोमिक्लेचर इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स विच इनको कारपोरेट ऑल द इम्पोर्टेंट ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स तो पॉली का मतलब हुआ मैनी तो इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नाम है जो नेम होंगे होंगे उसमें बहुत सारे जो है नेम्स उसमें ऐड हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल केरियोफाइलम वॉज गिवन इन नेम ऑफ सिक्स वर्ड्स केरिफाइलम को छः वर्ड्स का जो है उसका नाम दिया गया क्या क्या था केरियोफाइलम सेक्सटाइलिस फोलिस ग्रेमिनेस एम्बिलेटस कोरिम्बिस तो ये आप देखेंगे छः वर्ड हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः वर्ड्स हैं जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लांट को दिए गए हैं इट मीन्स केरोफाइलिंग ग्रोइंग ऑन रॉक्स पोजैसिस ग्रॉस लाइक लीव्स एंड अम्बिलेट कॉरियम्ब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स तो इस नेम से हमें इस प्लांट का क्या क्या पता लग रहा है कि ये रॉक पे ग्रो करता है ग्रास लाइक है लीवस हैं इसके और अम्बिलेट कॉरियम अरेंजमेंट फ्लावर है फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है ये हम आगे स्टडी करेंगे कि कॉरियम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं तो इतना लंबा नाम जो है पोलिनोम नॉमिकलचर के तहत इसको दिया गया था दीज नेम्स वर गिवन इन ए मडिवल पीरियड्स बट ड्यू टू लॉन्ग दे आर टफ टू रिम्बर सो सेल्डम फेवर्ड ये मडिवल पीरियड में जो ये नाम दिए गए तो इतने लंबे नाम दिए गए, तो गए तो इन लंबे नाम्स को एक तो याद रखना मुश्किल था और इन लंबे नाम्स को आ, नाम को ए, ए, दूसरा इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया इसलिए साइंटिस्ट ने पोल प्लचर को इतना फेवर नहीं किया नेक्स्ट आ गए एडवांटेजिज़ ऑफ बाइनोमियल नोमिक्लेचर अब बाइनोमियल नॉमिक्लेचर जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्यों एक्सेप्ट किया साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के फर्स्ट द नेम्स आर यूनिवर्सली रिकोगनाइज ये यूनिवर्सली uh, इसको मान्यता दी गई बायोनोमोमियल नामलेचर को हर एक साइंटिस्ट ने इसको सहारा सराहा कि बायोनोमियल नॉमिक्लेचर ठीक है सेकेंड ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन गिवन ए सिंगल डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द टू वर्ड्स हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है उसके दो दो नेम दिए गए कौन से एक तो जीनस नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा थर्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स नोन टू साइंस हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि साइंटिस्ट साइंटिस्ट uh, जिनको जानते हैं या साइंस uh, में हैं उनके नाम्स दिए गए हैं उनके नाम दिए गए हैं फोर्थ देर इज़ ए टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक नेम्स टू एवरी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कोई भी नया जो ऑर्गेनिज्म uh, डिस्कवर्ड होता है तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है एक रूल है प्रॉपर कि इस रूल के अकॉर्डिंगली हम उसको नाम करेंगे फिफ्थ साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन बेस्ड ऑन सम करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स तो साइंटिफिक नेम कैसे दिए जाते हैं बायोनोमिकलेचर में उसकी करैक्ट्रिस्टिक्स को देख के उसकी विशेषताओं को देख के सिक्स एंड इनअप्रोप्रिएट और इनकोरेक्ट नेम कैन बी ईजिली करेक्टेड कोई भी अगर इनप्रोप्रिएट uh, है या इनकोरेक्ट है गलत नाम अगर किसी स्पीशीज़ का पड़ गया जीनस का पड़ गया तो उसको हम ईजली कुरेक्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो